Running fast is not important. Running fast in the right direction is. समझ में आ रही बात? आप कितना तेज भागे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन तेज भागे और राइट डायरेक्शन में भागे ये आपकी जिंदगी में मैटर करता है। हिमल जी, आपको दिल्ली से जाना है मुंबई और आपने अपनी गाड़ी में सेल्फ मारा और सीधा भगा रहे गाड़ी चंडीगढ़ की तरफ, मुंबई पहुंचोगे? आपको दिल्ली से करनाल जाना है, आपने गाड़ी में सेल्फ मारा, आगरा की तरफ निकल गए, करनाल आएगा? आगरा की तरफ आप 300 किलोमीटर पर आर की स्पीड से निकल रहे हो, आगरा आएगा? 400 किलोमीटर पर स्पीड की से निकल रहे हो, आगरा आएगा? आगरा आएगा? चाहे आप कितना फास्ट जा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप 80 की स्पीड पे भी जा रहे हो, करनाल जाना है और आप जा रहे हो, सोनीपत क्रॉस किया, पानीपत क्रॉस किया, करनाल आएगा या नहीं आएगा? मुंबई वालों को समझ में नहीं आया होगा दिल्ली और करनाल क्या होता है। मुंबई वालों, दिल्ली से पूना जाना है और आपने सेल्फ मारा कहां जाने के लिए? बॉम्बे से पूना जाना है और आपने सेल्फ मारा पूना इस तरफ क्या है? नासिक। आपने सेल्फ मारा नासिक के लिए, पूना आएगा? चाहे आप 300 की स्पीड पे भी जा रहे हो, आपका पूना नहीं आने वाला। इसलिए कहते हैं रनिंग फास्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, रनिंग फास्ट इन द राइट डायरेक्शन इज। चलते आगे सर, टेकिंग जॉइनिंग इज मच डिफरेंट देन सेलिंग नेस्विस फ्रेंचाइज एज ए करियर। एक जॉइनिंग उठाना और एक ऐसे इंसान को जोड़ना जिसको आप नेस्विस का फ्रेंचाइज करियर ऑफर कर रहे हो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। टेकिंग जॉइनिंग इज मच डिफरेंट। आप गए किसी को कहा कि भाई साहब 15,100 दे दो, आपको 4 नाइट 4 नाइट 3 बार मिलेगा, साला कोई भी अफेक्ट हो जाएगा यार। yatra.com पे वो कंपैरिजन करेगा, नहीं वहां तो महंगा है, यहां तुम्हारा सस्ता है, चलो दे दो। आप बोलोगे थोड़ा सा इसमें एक्सक्लूजन है, ऊपर कोई बात नहीं, मैं मैटर करता हूं, कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली में अगर एक दिन का टोल फ्री हो जाता था नोएडा वाला, राइट, 9 से 11 का टोल फ्री हो गया दिल्ली में नोएडा से DND वाला, तो 9 से 11 20 गुना ज्यादा गाड़ियां आ गई। आप में से कितने लोगों को याद है बात? ऑलमोस्ट सभी को याद है। यानी आदमी 20 रुपए बचाने के लिए भी अपने फायदे के लिए चीजें एक्सेप्ट कर लेता है, तो यहां तो बहुत अच्छा जबरदस्त फायदा होने वाला है। आप किसी के पास गए, आपने कहा इतने पैसे दो, भाई साहब 2 सूट मिल जाएंगे और ये देखो क्या बढ़िया सूट है, मजेदार सूट है, उसने सूट खरीद लिया, आपको क्या मिला? आपको मिली एक लायबिलिटी, कंधे पे भार। आपने सिर्फ सूट नहीं बताया, आपने उसको ये बताया कि इस सूट से पैसे भी आएंगे, बताया? क्योंकि आप पूरा बिजनेस प्लान बगैर बताए तो वापस आते नहीं हूं। अब वो क्या करता है, हर 15 दिन के बाद अपने सूट का पॉकेट देखता है, इसने तो बोला था पैसे आएंगे, कहां है? आपको फोन करता है, अबे तूने तो बोला था पैसे आएंगे, मेरे सूट में तो पैसे नहीं आ रहे। तेरे सूट में पैसे नहीं आ रहे, लेकिन जो इंसान यहां बैठा है इसको सूट में हर महीने 10 लाख 12 लाख 15 लाख आ रहे हैं, तो कुछ तो फर्क होगा दोनों के काम करने के तरीके में। हर आदमी भाई साहब आपको ब्लेम करने वाला मिलेगा, इसलिए टेकिंग जॉइनिंग इज मच डिफरेंट देन सेलिंग नेस्विस फ्रेंचाइज एज ए करियर। आप में से कितने लोगों को नींद आ रही है? अगर किसी को नींद आ रही है तो उसको पहले मिनट में यह एहसास हो जाना चाहिए कि वो इस ट्रेनिंग के लिए बना ही नहीं है। मैं आपको रोकूंगा नहीं, अगर आप से किसी को लगेगा कि मुझे ट्रेनिंग में नहीं बैठना है, मुझे बाहर जाना है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी से फाइन ना लिया जाए, उन्हें जाने दिया जाए, क्योंकि मैं जबरदस्ती आपको एक कामयाब आदमी बनाने के मूड में नहीं हूं। मैं कामयाब आदमी उसी को बना सकता हूं जो खुद चाहता है कि मैं मुझे कामयाब होना, और मैं जानना चाहता हूं यहां पर कितने लोग हैं जो कामयाब होने के मूड में है। पूरा हाथ चाहिए, आधा नहीं चाहिए, सभी मूड में है यार, तालियां होनी चाहिए, राजकुमार डबल होनी चाहिए, गुड।
ऑफ द एसोसिएट्स, इस स्लाइड को ध्यान से पढ़ना सर, ये स्लाइड कहती है मोस्ट ऑफ द एसोसिएट्स डोंट इवन ट्राई टू परफॉर्म एनी रिक्रूटमेंट एक्टिविटी फॉर मोर देन 330 डेज इन 365 डेज इन ईयर. हम में से 99% 98% लोग साल के 365 दिनों में से 330 दिन किसी को जोड़ने के लिए कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं. हेमल जी ये बहुत कड़वा सच है. शंभू जी ये बहुत कड़वा सच है. 365 दिन एक साल में होते हैं और 365 दिनों में से 330 दिन आपकी कोई एक्टिविटी ही नहीं हुई कि आज मैंने ये काम किया जिससे मेरे साथ इतने लोग जुड़ेंगे, आज मैंने ये काम किया जिसके साथ मेरे जिसकी वजह से मेरे साथ इतने लोग जुड़ेंगे. उसका मतलब क्या हुआ? इफ दे आर डूइंग देन दे आर नॉट सक्सेसफुल. जो आदमी 365 में से 330 दिन बिना किसी को जोड़ने के लिए कोई फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं कर रहा, तो क्या वो आदमी कामयाब हो जाएगा? हेलो, क्या कामयाब हो जाएगा? मैंने सुना है कि लोग कहते हैं भाई साहब मैंने तो 10 आदमी जोड़ दिए, मैंने 15 जोड़ दिए, मैंने 20 जोड़ दिए, मैंने 25 जोड़ दिए. आप में से कितने लोग स्टीव जॉब्स का नाम जानते हैं? कुछ मोबाइल बज रहा है क्या? क्या हुआ? तो अलार्म इसलिए था कि दीपक भामरी तेरा काम हो गया तमाम, अब तू भाग. फिर साला दिन का 11:30 बजे खा ला रहा है. ये सुबह उठने का टाइम है, आपकी रात की ड्यूटी होती है, नाइट पे गाड़ी चलाते हो. वादा करता हूं दोस्त, आज से 3 महीने के बाद तू गाड़ी नहीं चलाएगा. राइट? तो मैं कहां था? यस, मैं ये कह रहा था कि आप में से कितने लोग स्टीव जॉब्स को जानते हैं? गुड, ऑलमोस्ट सभी जानते हैं. हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मैंने तो 10 लोग जोड़ दिए, मैंने 15 लोग जोड़ दिए, मैंने 20 लोग जोड़ दिए. स्टीव जॉब्स ने एप्पल का पहला मोबाइल कौन से सन में बनाया था? कौन से सन में? चलो छोड़ो, कितने साल पहले? कितने साल पहले? 10 साल पहले. और स्टीव जॉब्स ने ये वाला मोबाइल कितने साल पहले बनाया है? कितने साल पहले बनाया? अच्छा, स्टीव जॉब्स ने ये वाला मोबाइल कितने साल पहले बनाया? 2 साल पहले. उल्लू की तुम कमीनो, स्टीव जॉब्स से भी बड़े हो. उसने ये मोबाइल बनाना बंद नहीं किया और तुमने रिक्रूट करना बंद कर दिया. मैंने तो 10 लोग जोड़ दिए, मेरा काम तो हो गया. रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज अ फैक्ट्री माय डार्लिंग. जैसे फैक्ट्री अपना प्रोडक्शन नहीं रोकती, रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपको कभी स्टॉप नहीं करना अगर अपनी जिंदगी में 100 करोड़ रुपए कमाने के मूड में हो तो. रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज अ फैक्ट्री. स्टीव जॉब्स जैसा आदमी अपना प्रोसेस नहीं रोकता. बिल गेट्स नए सॉफ्टवेयर बनाने नहीं रोकता. एक डस्टबिन बनाने वाला आदमी नया डस्टबिन बनाना नहीं रोकता. आप 100 करोड़ कमाने के मूड में हो और 10 लोग रिक्रूट करने के बाद आप कहते हो माई जॉब हैज बीन डन. ऊपर वाला भी कहता है, मारता है. कहां मारता है आपको पता है? ले बेटा दे डन 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 डन. समझो मैं क्या कहना चाहता हूं. This process should never stop. Never means never. It's a never ending process. It's a never ending process. और आपको सिर्फ यही process अपनाना पड़ेगा. आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरी लिस्ट खत्म आएंगे. 365 दिन में 330 दिन आपने रिक्रूटमेंट के लिए कोई एक्टिविटी नहीं की तो क्या पास होगे? फेल होगे. गारंटेड सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे. विच मींस दैट दे डोंट नो हाउ टू डू द जॉब. इसलिए इसका मतलब यह हुआ कि लोगों को पता ही नहीं है कि मुझे काम कैसे करना है. दे डोंट नो हाउ टू डू द जॉब.
लोगों को पता ही नहीं है कि मुझे काम कैसे करना है। जल्दी से आएंगे सर, हैंस ध्यान से देखना सर, इस स्लाइड को अपनी आत्मा में बसा लो सर। मैं पानी पी लूं थोड़ा सा। अब जो स्लाइड मैं आपके सामने रखने वाला हूं, ये स्लाइड्स आपके लिए पैराडाइम शिफ्ट होने वाली स्लाइड्स हैं। आपके ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम है ये स्लाइड्स। आप तैयार हैं? Yes. पैराडाइम शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं? Yes. अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हैं? Yes. आप एक बड़ी अजीब सी लाइन बोलना चाहता था लेकिन मैं रुक गया, अभी उसका सही वक्त नहीं आया। मैं ये कहने वाला था, 4 महीने के बाद अपनी 2-2 लाख रुपए की नौकरियां छोड़ने को तैयार है? एक भी जवाब नहीं। अच्छा, चिल्ला कौन रहा है जो साला खुद नौकरी नहीं करता है? There is an urgent need for a new school of thought. There is an urgent need. आपके पूरे thought process को change करने की जरूरत है वर्मा जी। अब तक आपके दिमाग में जो भी कुछ था नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, उस पूरे के पूरे प्रोसेस को चेंज, अर्जेंट नीड फॉर ए न्यू स्कूल फॉर थॉट। देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर ए न्यू विजडम। आपने जो आपने जो विजडम का राइट हिंदी वर्ड क्या लेंगे हम? विजडम आजादी नहीं, परंपरा, बुद्धिमत्ता या परंपरा, जो भी परंपरा आपके दिमाग में घुसी हुई है कि किसी भी काम को करने की एक परंपरा है, हिंदी को सीखने की एक परंपरा है, इंग्लिश को सीखने की एक परंपरा है। जैसे ही आप इंग्लिश सीखने जाते हैं, ए फॉर एप्पल, आज भी स्कूल में ए फॉर एप्पल ही है। आज से 500 साल पहले भी स्कूल में ए फॉर एप्पल ही था, यानी ये परंपरा चली आ रही है। उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग की जो परंपरा अब तक आपने देखी है, जो चली आ रही है, देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर ए न्यू विजडम। एक नई परंपरा की जरूरत है। देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर एन अप्रोच विच इज प्रैक्टिकल एंड इंप्लीमेंटेबल। हो गया ना, वो तो टॉपिक पीछे रह गया, आप 5 कदम पीछे क्यों चल रहे हैं? देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर एन अप्रोच विच इज प्रैक्टिकल एंड इंप्लीमेंटेबल, जो प्रैक्टिकल हो और जिसको इंप्लीमेंट किया जा सके, एक ऐसी अप्रोच। देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर एन अप्रोच दैट गारंटी सक्सेस इंस्टेड ऑफ फेलियर। मैंने फिर कहा, नेटवर्क मार्केटिंग में 90% लोग फेलियर हैं। बड़ी बहुत मजे की बात यह है कि नेसमिस में कोई फेलियर माना नहीं जाता, लेकिन अगर एक इंसान जिसने अपने सपने देखे हैं कि मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, अगर वो पैसे नहीं कमा पाया तो मैं ऐसे इंसान को फेलियर कहूंगा, जबकि नेसमिस में कोई फेलियर है नहीं। क्यों फेलियर नहीं है? उसने 15,000 दिए, 3 बार अपनी बीवी को घुमा लाया, अपनी गर्लफ्रेंड को घुमा लाया, अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम लिया, हस्बैंड के साथ घूम लिया, पैसे वसूल, क्या लूजर है? लेकिन बिजनेस में फेलियर है। आप यहां हॉलिडे खरीदने नहीं आए थे, आप यहां शर्ट खरीदने नहीं आए थे, आप यहां पर ग्रोथ करने आए थे, आप यहां पर बहुत सारे पैसे कमाने आए थे, आप अपनी इन्वेस्टमेंट का कई गुना रिटर्न लेने आए थे। क्या मैं सही हूं? Yes. क्या मैं सही हूं? Yes. इसलिए मैं लिखता हूं कि देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर एन अप्रोच दैट गारंटी सक्सेस इंस्टेड ऑफ फेलियर। जरूरत है या नहीं है? समझ आ रही बात? अब तक जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, आपको लगता है कि देयर इज एन अर्जेंट नीड ऑल दिस थिंग्स और ऑल दिस थिंग्स? कितने लोगों को लगता है? और मुझ सभी ने हाथ खड़ा किया। देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर ए रिक्रूटमेंट फिलॉसफी that assure long term success, जिसको जोड़ो एक ऐसी फिलॉसफी की अर्जेंट नीड है जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस सफलता लगातार सफलता देती जाए। ये नीड है आज की डेट में आपको या नहीं है? चिल्ला के बोलिए, जरूरत है इसकी या नहीं है? There is an urgent need for a recruitment concept that encourages continuous action.
15 लोग जोड़ दिए, उसके बाद 4 महीने में एक भी आदमी नहीं जोड़ा, राइट? चाहे मैं ये बात नहीं कर रहा हूं नए लोगों के लिए, दिस ट्रेनिंग इज नॉट फॉर न्यू कमर्स, दिस ट्रेनिंग इज फॉर इज डिजाइन फॉर रूबी ऑल्सो, फॉर एमरल्ड ऑल्सो, फॉर डायमंड ऑल्सो, फॉर प्लैटिनम ऑल्सो, फॉर सेफायर ऑल्सो, फॉर एम्बेसडर ऑल्सो, एंड फॉर क्राउन एम्बेसडर ऑल्सो. क्या क्राउन एम्बेसडर की ड्यूटी नहीं है आज भी नए लोगों को इस बिजनेस के साथ जोड़ने की? क्या डायमंड्स की ड्यूटी नहीं है? क्या रूबीज की ड्यूटी नहीं है? क्या ये ड्यूटी सिर्फ नए लोग जो इस बिजनेस में है उन्हीं की है? बदकिस्मती से होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, होता यह है कि एक क्राउन एम्बेसडर सोचता है कि ये ट्रेनिंग तो मेरे नीचे एम्बेसडर और बाकी के सारे लोगों के लिए है. एम्बेसडर सोचता है ये ट्रेनिंग मेरे लिए नहीं है, नीचे सफायर और बाकी के नीचे लोगों के लिए. डायमंड ये सोचता है मेरी ये ट्रेनिंग मेरे लिए नहीं है, बाकी के नीचे लोगों के लिए. नीचे वाला ये सोचता है कि मेरे लिए नहीं है, नीचे रूबी और इन सब के लिए. रूबी सोचता है कि मेरे लिए नहीं है ये ट्रेनिंग, नीचे वालों के लिए. मैं आपको कहना चाहता हूं, कल मनोज जी ने एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें नीचे 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 को उल्टा किया उन्होंने और उन्होंने कहा कि ये मैंने उठाया हुआ है, राइट? मैं उस पिक्चर को आपके दिमाग में दोबारा याद दिलाना चाहता हूं. वो पिक्चर सेम बिल्कुल इस ट्रेनिंग सेशन के लिए भी है. जितना इंपॉर्टेंट एक नए आदमी को अपने साथ नए रिक्रूटमेंट की है, उतना ही इंपॉर्टेंट कंपनी के टॉप मोस्ट लोगों के लिए भी है, हर इंसान के लिए. इसलिए ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ट्रेनिंग जिंदगी भर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी. इसलिए इस ट्रेनिंग को अपने जहन में घुसा लीजिए. सर आपको सोए नहीं थे क्या? उठिए और पीछे जाके मुंह में झीटे मार लीजिए. मैं वैसे ही कह रहा हूं कि ये ट्रेनिंग सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों को नींद आएगी, लेकिन जिनको नींद आएगी वो सोते ही रह जाएंगे इस दुनिया में, और बाकी लोग कहां से कहां पहुंच जाएंगे. आप बाकी सारे जागृत लोगों के लिए मैं चाहता हूं जोरदार तालियां हो जाए. थैंक यू वेरी मच. वेरी दैट एनकरेजेस कंटीन्यूअस प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग. ये लगातार आपको उसके लिए एनकरेज करता रहे, लगातार एक्शन लेने के लिए तैयार करता रहे, इस चीज की जरूरत है. देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर एन अप्रोच दैट इज न्यू एंड फ्रेश, जो नई हो और एकदम फ्रेश हो. एक ऐसी अप्रोच की जरूरत है जो बिल्कुल नई हो, जो आपको काम के लिए एनर्जी देना चाहे, जो आपको काम के लिए कामयाबी के लिए नई एनर्जी देना चाहे. एक ऐसी अप्रोच की जरूरत है. There is an urgent need for a recruitment strategy that is solution oriented. एक ऐसी रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी की जरूरत है जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो. आपका पे आउट कैसे बनेगा मुझे ये बताइए, आपका पे आउट कैसे बनेगा? हेलो, आप में से कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? आपका पे आउट कैसे बनेगा? मुझे सुनाई नहीं दे रहा. आपका पे आउट कैसे बनेगा? 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 तो आपको इसकी जरूरत है या नहीं है? देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर ए रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी दैट इज सॉल्यूशन ओरिएंटेड. एक ऐसा सॉल्यूशन आपको मिल जाए कि आप लगातार रिक्रूटमेंट करते रहो. रिक्रूटमेंट एक फैक्ट्री की तरह लगातार करते रहो, उस चीज की आपको जरूरत है या नहीं है? आपका पे आउट तभी बनेगा. दीपक भामरी की ट्रेनिंग सुन के घर जाके टांगे फैला के सोने से आपका पे आउट नहीं बनेगा. दीपक भामरी की ट्रेनिंग सुन के, पंकज मिश्रा जी की ट्रेनिंग सुन के, मनोज शर्मा जी की ट्रेनिंग सुन के, मिस्टर मुकेश हजोरा की ट्रेनिंग सुन के, सबकी ट्रेनिंग सुन के इंप्लीमेंट करने से पे आउट बनेगा. इंप्लीमेंट करने से पे आउट ऐसे नहीं बनेगा. लेकिन पे आउट कैसे बनेगा? जब तक आप में ये कुवत होगी, आपकी टीम में ये कुवत होगी कि वो नई सेल्स डाल सके राज जी, तब तक आपका पे आउट बनेगा. और अगर नई सेल्स नहीं डली, चाहे आप क्राउन एम्बेसडर क्यों ना हो, एम्बेसडर क्यों ना हो, डायमंड क्यों ना हो, कंपनी आपको एक रुपए का इंसेंटिव नहीं देगी. क्या मैं सही हूं? Yes. क्या मैं सही बोल रहा हूं? Yes. क्या मैं सही हूं? Yes. मुकेश जी है नहीं पारस जी, क्या अगर आप एक हफ्ते कोई सेल ना डालें, आपकी पूरी टीम एक भी सेल ना डाले, क्या नेस्विस के एमडी मिस्टर संतोष चंद्राकर आपके घर में पैसे भेजेंगे?
थोड़ा चिल्ला के बोलिए, इनको सुनना चाहिए। पारस जी कह रहे हैं बिल्कुल भी नहीं, और पारस जी 100% सच बोल रहे हैं। इसलिए आपको तैयार होना है, किस चीज के लिए? नए लोगों को कैसे आपने रिक्रूट करना? देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर एन अप्रोच दैट मेक्स पीपल से आई वांट टू बी ए हार्ड कोर नेटवर्कर। आप जिसके साथ बैठो भाई साहब, 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे के बाद अगर वो ये बोले भाई साहब टेबल थोक के, भाई साहब आज से 100% हार्ड कोर नेटवर्कर बनूंगा, साला ऐसी की तैसी में गई नौकरी, यही करियर है, यही जिंदगी है, और यही मैं अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊंगा। अब बताइए सर, आपकी जिंदगी मजेदार होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? कांग्रेचुलेशंस, नाउ यू आर ऑन द वे टू ग्रैंड सक्सेस। सेलिब्रेट कर सकते हैं आप।